सुरेश जी, आज इस देश के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों को रोजगार नहीं है, लेकिन गायें बहुत ज्यादा सुरक्षित है। और गाय की बात से याद आया कि गाय को बोलते हैं कि गाय का मूत्र पीने से बहुत सारी बीमारियों का शुद्धिकरण हो जाता है, तो क्या ये बात सत्य है? देखिएगा, सवाल अजीबोगरीब है जी। ये आस्था की बात इन्होंने कर रखी है जी, और आस्था में ही आदमी मरता है और आस्था में जीता है जी, क्योंकि आस्था का नाम ही विश्वास है जी। विश्वास में विष का वास है जी। कि जिन लोगों ने गाय को माता माना जी, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से जी, कि जो बैल होता है जी, जिसे हम अपने क्षेत्रीय भाषा में सांड भी कहते हैं जी, अगर गाय माता है उनकी, तो क्या सांड को वो पिता मानने को तैयार हैं? ऐसा नहीं है। बड़ी विचित्र परंपरा है जी। किस तरह की? कि जब गाय आती है तो घर का मुखिया कहता है, अरे भाई लाओ, भाई लाओ, गाय आई है, गाय माता आई है, रोटी खिलाओ। और जब सांड आता है तो उसको लाठी उठा करके पीटता है जी। तो मेरी समझ में नहीं आया कैसा धर्म है कि माँ की चुगाई और बाप की ठुकाई जी। इसके अलावा बताइए क्या है? और ये लोग देखिएगा, हम उनके उसको बात को कुछ स्वीकार करें भी कि भाई गाय माता है, तो माता केवल मात्र एक उसमें हो सकती है, वो हमको दूध पिलाती है, तो फिर क्या भैंस को भी माँ मानना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हैं ये लोग जी। मैं ये कह रहा हूं कि जब गाय लात मारती है जी, सींग मारती है जी, तो इनको नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी गाय को माता माने, लेकिन पशु भी साथ साथ माने जी। लेकिन मैं तो इनकी विचित्र स्थिति देख रहा हूं कि गाय को माता मानो जी, और मान रहे हैं उस आधार पर, तो ये पता नहीं क्या क्या पंगा कर रहे हैं इस देश में जी। लेकिन जैसे ही गाय बूढ़ी हो जाती है, इनको शर्म नहीं आती है कि गौशाला में गाय दवाई के अभाव में, इलाज के अभाव में मर रही है जी। और उनको फिर कहाँ भेज देते हैं लोग? उनको दफनाते थोड़ी ना है जी। ये लोग जो उनको भेज देते हैं कि भाई इन्हें उठाओ और इसकी चमड़ी उधर लाओ जी। अब वो जो चमड़ी उधेरेगा वो तो उसे बेचेगा। तो ये कैसे मतलब परंपरावादी हैं कि गाय की पूरी जिंदगी भर दूध पी करके, उसको गाय माता बोल करके, उसके बुढ़ापे में लाठी का सहारा भी नहीं होते? अरे उसको दफना दो, ऐसा नहीं करते ये लोग, चमड़ी उधेड़ने का काम करवा देते हैं उसका। तो कैसे लोग हैं, एक तरफ माता एक तरफ उसकी चमड़ी उखड़वाओ, तो भी ये तो हमारी समझ में नहीं आता है जी। और ये सरासर फिर वही बात आ जाती है अंधविश्वास और पाखंड की जी, कि भाई कैसी माता। और जो उसके गाय के मूत्र की बात कही, देखिएगा ये नेचुरल कुछ हो भी सकता है कि भाई आदमी के यूरिन में कुछ और एलिमेंट्स हो, गाय के यूरिन में कुछ और एलिमेंट्स हो, भैंस के में कुछ और एलिमेंट्स हो, बकरी के में कुछ और हो, डॉग्स के में कुछ और हो, ये हो सकता है। लेकिन साइंटिफिक उस पर आधार पर एक भी चीज सिद्ध नहीं हुई है, इसलिए ये सरासर अंधविश्वास और पाखंड की बात है कि उससे उसके पीने से कुछ रोगों का निदान हो सकता है जी।